दोस्तों ये गाड़ी है डीजल क्रेटा गाड़ी, इसके अंदर इस टाइप का सिंबल आ रहा है चेक ग्यूरेज सिस्टम, और डीटीसी इसमें आ रहे हैं 6 इंजन में आ रहे हैं, 5 एससीआर में आ रहे हैं और एक एयरबैग में आ रहा है। ये जो सारे कोड आ रहे हैं इस पे मैं काम करने वाला हूँ 1 by 1। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। जब भी आपके पास ऐसी गाड़ी आती है उस पे लिखा हुआ होता है जैसे कि लॉस कम्युनिकेशन विद पीएम सेंसर, टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर, बूस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस, इस टाइप के कोड जो होते हैं, मास एयर फ्लो सेंसर सर्किट लो, ये सारे क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें या तो ग्राउंड का इशू है या इसमें पावर वोल्टेज नहीं है। तो वोल्टेज अगर या तो कोई मीन्स के वायरिंग शॉर्ट हो सकती है, फ्यूज डैमेज हो सकता है, तो इसकी वजह से ही ये सारे कोड आएंगे जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले चेक करूंगा मैं इसके फ्यूज। मास एयर फ्लो का जो कोड आ रहा है इसके अंदर ये वाला, उसके साथ ही आप देखेंगे कि जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो पीएम सेंसर को भी आ रही है, यानी कि ये 12 वोल्ट पीएम सेंसर भी सेम है और मास एयर फ्लो सेंसर भी सेम है। और उसके बाद ये जैसे कि ये देखेंगे आप टर्बो चार्जर, तो उसका भी जो एक्चुएटर उसकी पावर भी यही है। सारे वोल्टेज जो आ रही है ये 12 वोल्टेज आ रही है इस फ्यूज पे से। तो फ्यूज को मैं चेक करने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 12 वोल्ट इसमें है या नहीं है। तो ये मास एयर फ्लो सेंसर का वायरिंग कपलर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कलर कोड आप देखेंगे सेम है, ये वाला ग्रे, ये वाले वोल्ट और जो मेरा टैब है ये वाला जो कलर है, ये कलर और ये कलर सेम है। अभी मैं इसमें 12 वोल्ट चेक करता हूँ। यहाँ पर 12 वोल्ट अभी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो फ्यूज से वायरिंग आ रही है वो मुझे चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर कंटिन्यूटी इसकी आनी चाहिए। कंटिन्यूटी कोई साउंड नहीं आ रही है। जो फ्यूज है ये डैमेज हो चुका है, मैं चेंज कर लेता हूँ अभी। एक साउंड सुन रहे हैं आप, ये नया फ्यूज लगा रहा हूँ अब मैं, पुराना फ्यूज डैमेज है। अब फ्यूज लगाने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि फिर से 12 वोल्ट नहीं आ रहा है ग्रे वाली वायर में। 12 वोल्ट नहीं आ रहा तो अभी मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा। ये वाला फ्यूज भी उड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं वायरिंग शॉर्ट है, वो मैं चेक करने वाला हूँ। मैं इसका पीएम सेंसर अभी चेक करके देखने वाला हूँ कि क्या पता पीएम सेंसर की वायरिंग में कुछ इश्यू तो नहीं है, क्योंकि जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो फ्यूज से पीएम सेंसर को भी आती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ वो जा रही है 12 वोल्ट की सप्लाई। बट इसमें दो चीज़ कॉमन है, एक तो इसमें यूरिया का जो सिंबल है वो आ रहा है, साथ में एक डीटीसी आ रही है लॉस कम्युनिकेशन विद पीएम सेंसर। तो ये लॉस कॉम्बिनेशन पीएम सेंसर के लिए ही मैंने इसको अभी खोला है। तो मैं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर एंटर हुआ है इसके अंदर, या तो ये गाड़ी पानी में गई है या आजकल मौसम भी ख़राब चल रहा था, तो अभी मैं देख लेता हूँ और क्या इशू है। इसके जो कनेक्टर है ना यहाँ पर भी इसमें पानी का मॉइस्चर टाइप का है, बट वो काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, और कनेक्टर की हालत देखेंगे आप एकदम मुझे ख़राब लग रही है। वो किसकी वजह से ही वो फ्यूज उड़ रहा है, जो कि मैं इसको अब चेंज करके गाड़ी एकदम ओके कर दूंगा।